हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन गोयल एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर 5 ऑफ क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, पिछले लेक्चर में हमने ये चैप्टर को स्टार्ट किया था और वहाँ पे हमने बस इतना पढ़ा था कि क्या क्या चीज़ें हैं जो अपन इसमें देखने वाले हैं, है ना, क्या है इस चैप्टर का मतलब। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एक सीरीज अगर लिखी हुई है तो वो एपी कब होती है, कब होती है एपी, दोबारा याद दिला देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, 6, 9, 12, 15 and so on। ठीक है क्या? अब यहां पे मेरे को क्या देखना है, यहां पे मेरे को ये देखना है कि क्या ये एपी है। तो एपी होने के लिए क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, बाद वाली दो भी, कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म ले लो आप, कोई सी भी दो, ये दोनों ले ली मैंने। तो बाद वाले में से अगर मैं पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आना चाहिए, सब टर्म के लिए सेम आना चाहिए। तो अगर मैं 6 माइनस 2 करूंगा, देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, एपी चेक करने के लिए अपन 3 माइनस 2 6 नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला। अब बच्चे बोलते हैं कि सर फर्क क्या पड़ता है, आप 3 माइनस 6 करो -3 आएगा, 6 माइनस 9 करो -3 आएगा, 9 माइनस 12 करो -3 आएगा, 12 माइनस 5 करो -3 आएगा, सेम तो आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बट हम हमेशा क्या करेंगे, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये जो डिफरेंस आएगा ना वो हम बाद में बहुत यूज में लेने वाले हैं। तो अगर अपन उल्टे ही एक बार स्टार्ट कर दिए तो उसको बाद में सीधा करना बहुत दिक्कत है। ठीक है ना, स्टार्टिंग से अपन सीधे चलेंगे तो अपने फायदा हो पाएगा। कहानी पकड़ में आ रही क्या? तो कोई सी भी दो टर्म ले लिए ना, 6 माइनस 3 ना, बाद वाला माइनस पहला वाला। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तो बड़ा है तो चलो ठीक है बाद में, अगर मान लो किसी ने ऐसा लिख दिया होता 15, 12, 9, 6, 3, 0, -3 and so on। तो ऐसा नहीं कि अब तो सर 15 आ गया तो 15 वाला नहीं, हमेशा बाद वाला। बाद वाला अगर छोटा है तो भी बाद वाला माइनस पहले वाला। ठीक है क्या? ठीक है, तो ये एपी है, ये एपी है। तो ये चीजें हमने पिछले लेक्चर में देख ली थी कि हम कैसे पता लगाते हैं कि एपी है कि नहीं। तो देखो यहां पे जो डिफरेंस होता है ना उसको अपन ने यहां पे एक नाम दे रखा है, वो नाम है कॉमन डिफरेंस। क्या है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को जनरली अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है क्या? और कॉमन डिफरेंस जो है, ठीक है, वो सेम आना चाहिए। जैसे तभी इसका नाम देखो डिफरेंस था, उसको कॉमन कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सब में क्या है, सेम है। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहली टर्म, है ना। तो जर्नली देखो यहां पे जर्नली अपन क्या करते हैं, उस फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है क्या? ए से। कॉमन डिफरेंस को जर्नली अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अपन ए से और डी से ही कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, बट जर्नली मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करा हुआ मिलेगा और कॉमन डिफरेंस को डी से। ठीक है क्या? अब जैसे मान लो मैंने एक ये सीरीज लिखी है 3, 5, 7, 9, 11। तो पहले तो मेरे को करना क्या है, यहां पे कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं, सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस, है ना। तो मेरे को यहां पे करना क्या है, मेरे को ये पता लगाना है कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एपी है क्या। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। और डिफरेंस कैसे निकलता है, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करेंगे ना। तो 5 माइनस 3 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 7 माइनस 5 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 9 माइनस 7 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। 11 माइनस 9 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो सबका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो सीरीज क्या हो चुकी है, एपी तो है, एपी तो ये है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। क्लियर है क्या? ये एक ऐसी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। बढ़िया। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने ये दे दिया आपको 25, 21, 17, 13, 9 and so on, ऐसा कुछ। ठीक है क्या? अब देखो यहां पे भी अपने को क्या चेक करना है कि क्या ये सीरीज एपी है, एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो एपी है क्या, देखो एपी पता कैसे लगेंगे, बाद वाला अगर माइनस पहले वाला सेम आ रहा है सबके लिए तो वो एपी हो जाएगी। तो 21 माइनस 25, है ना, यहां पे 25 माइनस 21 नहीं करेंगे अपन, क्या करेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो 21 माइनस 25 कितना हो गया, -4।
सेवनटीन माइनस 21 कितना हो गया माइनस 4, 13 माइनस 17 कितना हो गया माइनस 4, तो क्या सबके लिए सेम आ रहा है क्या, और कितना आ रहा है माइनस 4 आ रहा है, तो इस केस में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया माइनस 4, और क्या ये एपी है, हाँ है, सेम आ रहा है और सेम ही हमें चाहिए, ठीक है सर। अच्छा अगला मैंने लिख दिया 3 3 3 3 3 एंड सो ऑन। अब ये चेक करना अपने को क्या ये एपी है, और अगर ये एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो देखो डिफरेंस तो देखते हैं एक बार, तो बाद वाला माइनस पहले वाला, देखो एपी होने के लिए बस एक ही कंडीशन है, क्या बाद वाला माइनस पहले वाला सेम आना चाहिए हर टर्म के लिए, क्लियर है क्या, तो 3 माइनस 3 0 3 माइनस 3 0 3 माइनस 3 0 3 माइनस 3 0 क्या सारे सेम आ गए क्या, और कितने आ गए जीरो आ गए, जीरो जीरो आ गए क्या। अच्छा ये माइनस 4 आया था ना, ऐसा आया था, तो यहां से मेरे को एक बात सीखने को मिल गई क्या, कि किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्लियर है क्या। देखो ना पहली वाली के लिए ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, पहले वाले के लिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, दूसरे वाले के लिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है माइनस 4 आ रहा है, और तीसरे वाले के लिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है जीरो आ रहा है, ठीक है क्या। अब दूसरी बात देखो यहां से क्या सीखने को मिल जाती है अपने को, कि अगर किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है, तो अगर आप देखो ध्यान से तो ये जो एपी है वो इंक्रीज होते जा रहे नंबर, नंबर क्या होते जा रहे इनकी 3 5 7 6 11 एंड सो ऑन इंक्रीज होते जा रहे हैं, और अगर नेगेटिव है तो नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं, और अगर जीरो है तो नंबर कॉन्स्टेंट्स है। तो यहां से अपने को एक बात समझ में आ गई कि अगर कोई इंक्रीजिंग एपी है, इंक्रीजिंग एपी का मतलब नंबर्स क्या हो रहे हैं इंक्रीज होते जा रहे हैं, जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और अगर कोई भी एपी अगर डिक्रीजिंग है और वो नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं बेसिकली, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा नेगेटिव होगा, और एपी जो है वो कॉन्स्टेंट है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा जीरो होगा, और उल्टा भी बोल सकते हैं ना, अगर डी जीरो है तो कॉन्स्टेंट एपी होगा, डी पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग एपी होगा, और डी नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग एपी होगा। कहानी पकड़ में आ गई क्या, ठीक है क्या, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, जैसे कि मैं आपको कुछ एक सीरीज दूंगा, पहले तो आपको ये बताना होगा कि क्या ये एपी है, और अगर ये एपी है तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, बस ये दो चीजें हैं जो आपको मेरे को बतानी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वेश्चन सिंपल सा है, क्या क्वेश्चन ये है जो मैं आपको यहाँ पे सीरीज लिख के दे रहा हूं, आपको बस ये पता लगाना है कि क्या वो एपी है, और अगर वो एपी है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सिंपल सी बात है, कोई जब ऐसी बात नहीं है। तो पहले से स्टार्ट करते हैं, मैं सीधे आपके सामने सिर्फ सीरीज ही लिखूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ना, पहला है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 एंड सो ऑन, ये दिया हुआ है। तो हमें क्या चेक करना है कि क्या ये जो गिवन सीरीज है क्या ये एपी है, और अगर ये एपी है तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा और फर्स्ट टर्म क्या होगा, ठीक है। तो एपी के लिए क्या होना चाहिए, बाद वाला माइनस पहले वाला क्या आना चाहिए, सबके लिए सेम आना चाहिए। तो पहले मैंने क्या किया 1/2 -3/2 कितना आएगा -2/2 बोले तो -1 आ गया, -1/2 -1/2 भी कितना आ गया -1 आ गया, -3/2 -1/2 तो +1/2 हो गया, तो ये कितना आ गया -1 आ गया, सही है क्या। तो यस ये एपी है, सारे सेम आ रहे क्या, सेम आ रहे क्या, एपी बिल्कुल है, ये एपी है, और अगर ये एपी है तो इसका पहला टर्म क्या है ए, फर्स्ट टर्म 3/2, और कॉमन डिफरेंस जो डिफरेंस सेम आ रहा था वही डिफरेंस है हमारा -1। और अगर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका अगला टर्म क्या आएगा, तो क्या आएगा इसमें -3/2 में -1 को ऐड कर देंगे, कहानी पकड़ में आ रही ना, डी यहां से यहां तक जाने के लिए उस वाले डिफरेंस को ऐड करना पड़ता है इसमें, स्टार्टिंग में बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो -3/2 अगला टर्म +(-1) तो ये हो जाएगा -3/2 -1 = -5/2 आ गए,
कर लेंगे क्या, कहानी पकड़ में आ गई, ठीक है क्या? ठीक है लिख लो ना, और सीरीज अब मैं आपको देता हूँ अपने को करनी है, ठीक है। अगला है सेकंड, वही है क्वेश्चन सेम है ना, 4, 10, 16, 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। देखो 10 माइनस 4, 6, 16 माइनस 10, 6, 22 माइनस 16, 6। तो यस ये एपी है, इसका पहला टर्म 4 है जो, और कॉमन डिफरेंस क्या है 6, कर लोगे क्या? और दे देते हैं 1 माइनस 1, -3, -5, बाद वाला माइनस पहला वाला, -1, -1, -2, -3, -1, -1, +1 हो चुका है, वो -3, +1 लिखा हुआ है तो -2, तो सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो पहला टर्म क्या है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस कितना है, -2, ठीक है। आखिरी ठीक है ऐसा, ठीक है ये अपने को पता लगाने की क्या ये एपी है कि नहीं। 1 माइनस 1, 0, 1 माइनस 1, 0, सेम आर, पर जैसे ही मैं अगले पे गया 2 माइनस 1, 1 हो गया, सेम नहीं आया, फिर 2 माइनस 2, 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, तो ये एपी नहीं है, नॉट अ एपी, ठीक है क्या? कर लेंगे। अब देखो ऐसी चीज के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे सकता हूं, ठीक है। जैसे आपने कभी कैब बुक करी हो, टैक्सी बुक करी हो, है ना, ओला उबर जो भी आप बुक करते हो, तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द टैक्सीज में क्या होता है कि एक मिनिमम किलोमीटर तक आपसे एक अमाउंट लिया जाता है। जैसे होता क्या है बेसिकली, जनरली फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर कंपनी चार्ज 50 रुपीज, है ना। पहले 3 किलोमीटर के लिए कंपनी आपसे कितना चार्ज करेगी, 50 रुपीज चार्ज करेगी। या पहले 1 किलोमीटर ले लेते हैं और थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर फर्स्ट किलोमीटर कंपनी चार्ज 50 रुपीज, आफ्टर दैट दे मेक सिर्फ 10 रुपीज पर किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है कि कंपनी क्या कर रही है, आपसे पहले किलोमीटर के वो 50 रुपये लेगी, उसके बाद आप जितने भी किलोमीटर राइड लोगे 10 रुपये किलोमीटर के हिसाब से बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है क्या? तो पहले किलोमीटर पे अगर आपने गाड़ी सिर्फ 1 किलोमीटर चलाई है तो गाड़ी वाला कितने रुपए लेगा आपसे, 50, ठीक है। अगर गाड़ी वाले ने आपसे, आपने गाड़ी वाले से गाड़ी 2 किलोमीटर चलवाई है तो गाड़ी वाला कितने रुपए लेगा, पहले किलोमीटर के 50, दूसरे किलोमीटर के कितने हो गए, 10 और जुड़ गए उसमें, कितने जुड़ गए, 10 रुपये और जुड़ गए दूसरे वाले किलोमीटर के, तो 60 रुपये लिएगा आपसे, ठीक है। अब तीसरे किलोमीटर में क्या हो रहा होगा, 10 रुपये और जुड़ जाएंगे। अगर आपने गाड़ी मान लो 3 किलोमीटर चलाई तो आप 70 रुपये देने पड़ेंगे, 4 किलोमीटर चलवाई तो 80 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है, 5 किलोमीटर चलवाई तो 90 रुपये देने चलेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो कि पहले किलोमीटर पे 50 रुपये लग रहे थे, अगर मैं गाड़ी 2 किलोमीटर चलाऊंगा तो 60 रुपये लगेंगे, 3 किलोमीटर के 70, 4 किलोमीटर के 80, 5 किलोमीटर के 90। तो ये जो रुपए वाली जो हिसाब है क्या ये एपी है? और अगर मेरे से कोई ये पूछ ले कि अगर मैंने मान लो राइड 2000 किलोमीटर की करी है तो मेरे को कितने पैसे उसको पे करने पड़ेंगे, तो मैं यहां से आंसर निकालूंगा एपी में। और ये मैं आपको अगली लेक्चर में सिखाऊंगा कि अपन अगर ऐसी डेली लाइफ प्रॉब्लम्स हमारे पास आ जाएं तो हम उनको कैसे डील कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एपी बन चुका है अब, तो अपन यहाँ पे एपी के फंडे लगाएंगे और उसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन यही पढ़ेंगे कि कैसे अपन, अगर मान लो हमसे यहाँ कोई पूछ लेता कि इफ आई टेक 200 किलोमीटर राइड देन हाउ मच मनी आई हैव टू पे, ठीक है क्या, कर लेंगे। तो यस आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए पढ़ते रहें एंड थैंक यू सो मच।